दी शिला की जय। इस बार डोली चार धाम जाए। भगवान की जय। बोलो भागनाथ भगवान की जय। से बोले इतने लोग वहां पे, बोलो भागनाथ भगवान की जय। बोलो विश्वनाथ जगदीश शिला की जय। बोलो सरयू मैया की जय। बोलो पितृ देवताओं की जय। बोलो इष्ट देवताओं की जय। बोलो कुल देवताओं की जय। बोलो भारत माता की जय। आज यहाँ पर भाई ललित फरसान जी जो हमारे इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं कुमाऊं मंडल के, इसका मकसद ही यही है कि यहाँ तीर्थाटन होना चाहिए। हजार धाम के पीछे
एक धाम के पीछे हजार काम जो हैं, हजार कामों के स्रोत उठते हैं। एक धाम के पीछे हजारों लोगों का जीवन चलता है। तो अगर हजार धाम बनेंगे इस पिथौरागढ़ ये कुमाऊं मंडल में, अगर आप जनपद वार देखेंगे तो जो मैगली स्टेट में जो नरसिंह भगवान का मंदिर है वो साक्षात सिद्ध है। ऐसे ही यहाँ पे जो है कोट भ्रामरी माता, ऐसे ही होंकरा देवी है, कशील बाबू है, ऐसे ही जो हमारी माँ बाराही धाम है, ऐसे ही यहाँ का मंदिर है, ये डोली गई है वहाँ। तो जयंती माता सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पर जयंती, मंगला और काली तीनों शक्तिपीठों के वहाँ पे शक्ति पुंज हैं। जब हम वहाँ पहुँचे पिछले वर्ष तो हमने देखा, अरे हम तो जब दीप जलाते हैं तब स्थान का जीर्णोद्धार सुनिश्चित होता है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे इसकी सिद्धता है। ये डोली संतान प्राप्ति, यश प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति, धन धान्य प्राप्ति, कष्ट निवारण की इस डोली के अंदर ये शक्ति है। बोलो विश्वनाथ जगदीश शिला की जय। इस बार डोली चार धाम जाएगी, गंगा स्नान करा के फिर हम सीधे यमुनोत्री ले जाएंगे, फिर गंगोत्री ले जाएंगे, फिर केदार ले जाएंगे, फिर बद्रीनाथ ले जाएंगे और उसके बाद विश्वन पर्वत में जहाँ से चले कुमाऊँ की जो गंगा गंगोत्री में समर्पित करेगी, बाबा केदार के चरणों में समर्पित करेगी और उसके बाद नारायण भगवान के पीठ बद्री विशाल के चरणों में सारी हमारी जो मन्नतें हैं वहाँ पर समर्पित करेगी। और ये सुनिश्चित मान के चलिए कि जो लोगों की मन्नत होगी वो सुनिश्चित तौर से पूरी होगी, इसलिए बाबा ने इस समय ये आदेश दिया। उस संकल्प को आप बाबा के पास बोल, निश्चित तौर से हम ये जो आप लोग बोलेंगे ये वहाँ हमारे साथ भी आप सब लोग आए यहाँ पे, आप सबका यहाँ पर स्वागत। तो अब क्योंकि डोली सबको आशीर्वाद देगी थोड़ा और उसके बाद अपने